आज हम जानेंगे गोल्ड के बारे में कि गोल्ड इतना एक्सपेंसिव क्यों है और वर्ल्ड इकोनॉमी में उसका क्या इंपैक्ट है। नमस्कार, मैं अजीत सिंह, स्वागत करता हूं आपके चैनल ठाकुर कैपिटल में। अगर हम बात करें तो गोल्ड की जो माइनिंग है वो बहुत ही एक्सपेंसिव है। हम लोग अर्थ से और सी से, समुद्र से गोल्ड निकालते हैं और जो उसका माइनिंग का जो कॉस्ट है वो बहुत ही ज्यादा आता है। तो एक बेस प्राइस फिक्स है गोल्ड का, और कंपेयर टू अदर मेटल्स जैसे आयरन है, स्टील है, कॉपर है, जिंक है, अगर उससे कंपेयर करें तो जो गोल्ड है इज वेरी रेयर, मतलब बहुत कम मात्रा में मिलता है। और गोल्ड की डिमांड एज इट इज है, डिमांड एज इट इज है और कम मात्रा में मिलता है, बिकॉज ऑफ दैट गोल्ड का जो प्राइस है वो एक्सपेंसिव है। ये बात हो गई गोल्ड की प्राइस की। अगर हम बात करें वर्ल्ड वाइड की गोल्ड सबसे ज्यादा रिजर्व किसके पास है, तो यूएसए के पास है। 8.33 टन गोल्ड रिजर्व है यूएसए के पास। अगर फर्स्ट और सेकेंड हम लोग बात करें तो जर्मनी के पास है, जो है 3369 टन, जो जर्मनी का रिजर्व है। इंडिया की बात बात करें तो हम लोग 657 टन इंडिया के पास गोल्ड रिजर्व है। अगर हम बात करें इंडिया हाउस होल्ड की, तो इंडियन हाउस होल्ड के पास 23,000 टू 24,000 टन इंडियन हाउस होल्ड के पास गोल्ड है, जिसकी तकरीबन वैल्यू होती है 1 ट्रिलियन, $1 ट्रिलियन तकरीबन वैल्यू होती है गोल्ड की। अगर हम बात करें इंडिया जो इम्पोर्ट करता है सबसे ज्यादा गोल्ड, वो मोस्ट ऑफ करता है न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड से और साउथ अफ्रीका से और ऑस्ट्रेलिया से। और सबसे ज्यादा गोल्ड इंपोर्ट करने वाला कंट्री इंडिया है। हम लोग अगर बात करें 2009 में, तो अकेले 15% गोल्ड वर्ल्ड वाइड इंडिया ने इंपोर्ट किया था। हम लोग अगर एक्सपोर्ट की बात करें तो जो ज्वेलरी है, जो मेकिंग ज्वेलरी है, वो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट भी इंडिया करता है, तकरीबन 12.5%, मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड 12.5% अकेले इंडिया एक्सपोर्ट करता है मेकिंग ज्वेलरी वर्ल्ड वाइड। अगर हम बात करें कि गोल्ड ने रिटर्न्स क्या दिए हैं, तो गोल्ड ने आने वाले लास्ट 20 साल में अच्छे रिटर्न्स दिए, कंपाउंडिंग 11 टू 12% के रिटर्न्स दिए हैं। और अगर हम लोग 2008 की बात करें, 2008 की बात करें, 2008 में गोल्ड का जो प्राइस था वो था $700 पर आउंस। और आगे की अगर हम बात करें तो ये हो गया 2011 में $1,900 पर आउंस, मतलब तकरीबन 106% बढ़ गया आने वाले 3 से 4 साल में। तो मोस्ट ऑफ लोग डाइवर्सिफाई भी करते हैं अपना इन्वेस्टमेंट, इक्विटी के जगह गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट करें, और जब भी स्टॉक मार्केट गिरता है गोल्ड में मोस्ट ऑफ लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। हम लोग बात करें इंडिया में, हम लोग 10 ग्राम की वैल्यूएशन देखते हैं, और जो हम लोग कॉमेक्स में देखते हैं वहां पे दिखता है आपको $1,700-1,800। तो जो वो डॉलर होता है वो मोस्ट ऑफ आउंस में कैलकुलेट होता है। अभी आउंस कितना होता है, हम लोग 1 आउंस में 28.34 ग्राम होते हैं, 1 आउंस में 28.34 तकरीबन ग्राम होते हैं, तो वो प्राइस उसका होता है। अगर हम बात करें गोल्ड इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की, तो इंडिया मोस्ट ऑफ जो इंपोर्ट करता है वो करता है क्रूड ऑयल और ज्यादा से ज्यादा गोल्ड। जो क्रूड ऑयल है वो हमारे इकोनॉमी को बढ़ाने में हमारी मदद करती है, कि एनर्जी से गाड़ियां चलती हैं, कंपनी चलती है, फैक्ट्री चलती है, प्रोडक्शन होता है और इकोनॉमी आगे बढ़ती है। पर जो गोल्ड है हमेशा हमको इफेक्ट करता है हमारी इकोनॉमी को। जब अभी हम इंपोर्ट करते हैं तो हमें फॉरेन करेंसी देनी होती है, और फॉरेन करेंसी हमारे पास कम पड़ जाती है कंपेयर टू जो हमको क्रूड ऑयल का पेमेंट करना है उसके लिए। इसके लिए गवर्नमेंट हमेशा इंपोर्ट ड्यूटी गोल्ड पे 10%, 12.5% हमेशा बढ़ाते रहती है, कि गोल्ड लोग कम से कम इंपोर्ट करें। मगर जो गोल्ड का जो प्यार है इंडिया में वो हमेशा से बरकरार है, और हमेशा गोल्ड सबसे ज्यादा इंपोर्ट किया जाता है इंडिया में वर्ल्ड वाइड। अगर हम बात करें 2008 के बाद, या गोल्ड में और लोगों ने इन्वेस्टमेंट बढ़ाना ज्यादा ज्यादा किया है, क्योंकि कंपेयर टू डाइवर्सिफाई करें अपने इन्वेस्टमेंट को। अगर हम गोल्ड की बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो गोल्ड में एडवांटेजेस क्या क्या इन्वेस्टमेंट के, और डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। एडवांटेजेस अगर मैं बात करूं तो गोल्ड एक वर्ल्ड वाइड कॉमोडिटी है, कहीं भी आप यूज कर सकते हैं गोल्ड। एक आप अपने फंड, अपने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करके अपने हेज कर सकते हैं। अगर आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया और गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया, तो अपने आप फंड को हेज कर सकते हैं। अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें, तो गोल्ड एक आपको ज्यादा, अगर गोल्ड हो गया तो आपको रिजर्व रखने के लिए उसको आपको एक्सपेंस देना होगा। जैसे ज्यादा गोल्ड है तो आप बैंक में जा रहे हैं, तो आपको वहां पे पैसे देने होंगे रखने के लिए। गोल्ड चोरी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, कि कोई चुरा सकता है। गोल्ड अगर आप बाय करते हो तो आपको ईटीएफ का खर्चा लग सकता है। गोल्ड एक बहुत, बात करें तो गोल्ड एक बहुत ही लिक्विड लिक्विडिटी है वर्ल्ड वाइड। अगर हम देखें तो मोस्ट ऑफ जो गोल्ड के अगेंस्ट ही लोग पैसे प्रिंट करते हैं, और जितना भी आपके पैसे की वैल्यूएशन, आपकी कंट्री की वैल्यूएशन आपके गोल्ड रिजर्व से लगाई जाती है, कि आपके पास जितना गोल्ड रिजर्व है उतना स्ट्रांग आपकी करेंसी है। अगर हम बात करें तो आप
गोल्ड के अगेंस्ट ही पैसे प्रिंट करते हैं। तो गोल्ड एक बहुत ही ज्यादा एक वैल्यू रखता है वर्ल्ड इकोनॉमी में, इंडियन इकोनॉमी में। हम बात करें 1991 की, जब हम लोग ने 20 टन गोल्ड सोल्ड आउट किया था, जब हमारे पास फॉरेन करेंसी नहीं थी क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने के लिए। तो गोल्ड की एक हमेशा से लिक्विडिटी बहुत ही बेहतर है। अगर आपके पास गोल्ड है तो आप एनी टाइम उसको लिक्विड कर सकते हैं, और इन्वेस्टमेंट के लिए एक ये भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। वैसे हम सोच रहे हैं कि हम लोग एक बनाए, एक सीरीज बनाए, जिसमें आज के वर्ल्ड में कौन कौन से स्टॉक्स में या कौन कौन से सेक्टर में या कौन कौन से कंपोनेंट में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जैसे गोल्ड है, म्यूचुअल फंड है, बॉन्ड्स है, इक्विटी मार्केट है, प्रॉपर्टी है, लैंड है, तो वहां पे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं अगर आप गोल्ड या प्रॉपर्टी हर जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे मैंने गोल्ड का बताया अभी आपको, तो ये हम इस सीरीज में कवर करें। इसमें आपको फायदे क्या मिलेंगे और नुकसान क्या हो सकता है, ये दोनों चीजें आपको बताएं, तो जिससे आप अपडेट रहें, अगर फ्यूचर में किसी भी चीज में इन्वेस्टमेंट आप करें तो वो चीजें देख सकें, जो जो हम लोग ने वीडियो में डिस्कस की थी कि आपको वहां पे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होंगे। अगर हम आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कि लोगों को भी ये पता चले कि गोल्ड के बेनिफिट्स क्या है। धन्यवाद, नमस्कार।